अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, तो जो सो मेरे बच्चों किताब पेज नंबर 93 इसे सेहत सफाई पे ये चैप्टर नंबर 15 ही मक्लूम रात के ऐसे एक चोर सवाल तो जो तो किताब विकेंस करो इस एक पूछिम सवाल पेज नंबर 93 छ इंसानी जिंदगी में पानी की क्या अहमियत है। दवा इंसान से जिंदगी में क्या अहमियत क्या विकार छ आबस पूछता तो बोर्डस कुन जवाब नंबर 5 छ क्या इंसान की जिंदगी का दारोमदार पानी पर है। दवा इंसान से जिंदगी हूँ इनहिसार यानी दारोमदार आबस पे हमें साफ सुथरा और उबाला हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। दपा पज साफ सुथरा और उबाला हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए ग्रकवित आब साफ सुथरा तो बेहस ग्रकवित आब अस चुन ग्रकित त्रेश इस्तेमाल कर पानी पीने से खून साफ रहता है यूत त्रेश चमो तूत सोन खून गाफ और जिसम में आसानी से दौरा करता है बेहस खून दौर करा ये आसानी सीनस जिसमस मन जिस मचर रोजान अम आब सून कह सना ये सौर कर आसानी जिससे इंसान की सेहत अच्छी रहती है तम सान जिसम सोन जिसम सोन सेहत असल तम सोजान वह सवाल नंबर 6 किताब वो तुम बे पेज नंबर 93 जिसम में पानी की कितनी मकदार होती है। दपान जिसम मज कूत आब आब मकदार क्या वो बोर्डस कुन जवाब नंबर 6 क्या हमारे जिसम का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। दपान अगर इस चोर हिस्स करो आबस तथ मज जिसम मज त्रे हिस्स आब तो अको हिस्स त्रे हिस्स आब अको हिस्स खुशकी तवे वन जवाब नंबर 6 जवाब हमारे जिसम का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। वह किताब कुन सवाल नंबर 7 आलूदा पानी के इस्तेमाल से कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पकतो बे बोर्डस कुन जवाब नंबर 7 क्या आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी मोहलिक बीमारियां लग जाती हैं। तब आलूदा गो गंद आब खराब आब इस्तेमाल करने हैज़ा गसा ये वो तुम रात चैप्टरस मज पढ़ना हैज़ा गो सलरा बेमारी तुम सब उल्टी डहेरिया अम चीज ग फीवर और टाइफाइड जैसी मोहलिक मोहलिक गो बेमार जान कड़ बेमार लगन सी सो मर ाना इंसान तथा वन मोहलिक बीमारी हिलाक होने वाली बीमारी दवा आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी मोहलिक बीमारियां लग जाती हैं। गंद आब चन सैज़ा तो टाइफाइड हिश बीमारी पौध ग तम बीमार मोहलिक बचत बीमार बचत हेकान कह व सवाल नंबर 8 किताब कुन वो तुम बे पेज नंबर 93 गज़ा के इंतखाब में किस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है। दपा यम सा पुन गज़ा चुना ये सही करा क्या क्यों दपा तम सा कम चीज़ों ख्याल तुन यह जवाब नंबर 8 गज़ा के इंतखाब में वो चीज़ें होनी चाहिए दपा यम सा पे खेन खतर गज़ा चुनो गज़ा तैयार करो तथ मज गन चीज़न हूँ ख्याल थावन जिन से पूरे जिसम के नशो नुमा होता दपा यमो चीज़ो स जिसम पूर नशो नुमा गिसम यह बढ़ हे ताकत ग कि हमारे जिसम के सारे अज़ा तंदुरुस्त रह सकें यमो चीज़ो सोन जिसम तंदुरुस्त हे रूजित सेहतमंद हे रूजित गज़ा सादा कवद बखश और ताज़ा होनी चाहिए क्या गसन गज़ा गज़ा गज सद आसन मे ओतरम तम तली हुई चीज फ्राई ज्याद कर तमो सोन सेहत रोजान असल कि गज़ा सादा कवद बखश गो ताकत वोल गज़ा गसन और ताज़ा होनी चाहिए बे ग ताज़ा फ्रेश आसन प्रोन गज़ा गसन कहीं लास्ट सवाल 9 सवाल नंबर 9 सफाई के सिलसिले में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दपा सफाई हद सिलसिलस में सफाई मज कम चीज़न हूँ ख्याल तवन बोर्डस को लास्ट सवाल जवाब नंबर 9 ताज़ा हवा साफ पानी और अच्छी गज़ा के अलावा हमें जिसम और कपड़ों की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। दपा ऐसे पजे ताज़ा हवा साफ पानी साफ यो आब
اور اچھی غذا کے علاوہ بیٚیہِ اصل غذا کے علاوہ ہسا پزِ اسہِ ہمیں جسم اور کپڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے جسمُک تہٕ بیٚیہِ پلون ہُنٛد ہسا چھُ اسہِ خاص خیال تھاوُن کتھ سۭتۍ سۭتۍ تازٕ ہوا صاف پانی اور اچھی غذا کے علاوہ ہمیں جسم اور کپڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کو مکھیوں اور مچھروں کی گندگی سے دور رکھنے کے لیے ڈھک کر رکھنا چاہیے دپان بیٚیہِ ہسا چھِ اور ان کو مکھیوں مکھیوں گٔے مچھ تہٕ یِم ہسا مکھیوں گٔے مچھ تہٕ مچھر ہسا گٔے مٔہۍ دپان ییٚتٮ۪تھ گنٛدگی چھِ آسان تَتٮ۪تھ چھِ یِم چیٖز آسان سارنٕے برٛونٛٹھ وٲتۍمٕتۍ مکھیوں اور مچھروں کی گنٛدگی سے مچھن تہٕ مہین ہٕنٛز گنٛدگی نِش دوٗر رکھنہٕ خٲطرٕ ہسا چھُ تھاوُن اسہِ دوٗر تھاونہٕ خٲطرٕ چھُ اسہِ تھاوُن یہِ غذا ٹھان دِتھ کے لیے ڈاک کر رکھنا چاہیے بنٛد چھُ تھاوُن یہِ گژھِ نہٕ اوٚپُن تھاوُن کینٛہہ یَلہٕ تھاوُن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ مٔکھیا تہٕ مچھر بیٚہن مچھ تہٕ مٔہۍ بیٚہن کَرِ سون غذا خراب اِسلیے چھِ اَسہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد خاص خیال تھاوُن مۄکلے اَسہِ یِم نو سوال آز صُبحس کرو اِنشاء اللہ اپاکی جاے چھِ اَسہِ یہِ پیج نمبر چھِ 94 کرو أسۍ صُبحس اَتھ چھِ خٲلی جاے یہِ سوال کرو أسۍ صُبحس اِنشاء اللہ خدا حافظ